नमस्कार, मैं हिमांशु जोशी और न्यूज 18 लोकल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना की, जो इन दिनों उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है, कभी ये स्कूल यहाँ पे बंद होने की कगार में था छात्र संख्या कम होने के कारण, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए होड़ लगी हुई है। यहाँ तक कि अब उस स्कूल में किसी अन्य बच्चे को एडमिशन लेने के लिए जगह तक ही नहीं है, और यह सब मुमकिन हो चुका है वहाँ के प्रधानाचार्य श्री सुभाष जोशी के कार्यों द्वारा, जो इस वक्त अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो सका। बहुत बहुत स्वागत है सर, हमसे बात करने। सर, अब इस आदर्श विद्यालय में जब आपने ज्वाइन किया, उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है सर, ये थोड़ा बोलो। जी सर, मैंने 13 अप्रैल 2015 में उस विद्यालय में जो है एक प्रधानाध्यापक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उस समय टोटल 13 बच्चे थे वहाँ पे, और जिनमें से कि 9 बच्चे नेपाली मूल के थे और 4 बच्चे थे उसी क्षेत्र के। और विद्यालय की स्थिति, जो भवन था, भवन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब जो हमारे पुराने मॉडल के प्राइमरी स्कूल होते हैं उसी रूप में था, मतलब एक आम प्राथमिक विद्यालय का आप समझ लीजिए। लेकिन एक मन में जुनून था कि कुछ करना है, अपने आप को ये सिद्ध करना है कि भाई हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो मैंने अपना दिन रात प्रयास किया, हर समय मैं विद्यालय के बारे में सोचता था, और इसके पीछे भी काफ़ी भी यही सोचता हूँ कि काश अगर मैं ये सोच नहीं लाता कि ये मेरा विद्यालय है, या हमारा विद्यालय सोचता या सरकारी विद्यालय सोचता, शायद मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। हमारा विद्यालय जिस स्थिति में आज आप लोग पा रहे हैं इसको, तो हमेशा मेरा जुनून मेरा विद्यालय है करके, यानी जिस तरह से व्यक्ति मेरा काम है करके दिन रात एक लगाता है, ना अपना भूख देखता है, ना प्यास देखता है, ना अपने संबंध देखता है, सिर्फ अपनी तरक्की देखता है। तो मैंने भी यही देखा कि इस विद्यालय की तरक्की मेरा सपना था, कि मैं उन गरीब बच्चों को वो शिक्षा दे सकूँ जो जिस चीज़ के वो हकदार हैं। सर, हमने आपके स्कूल में देखा, यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं, एसी में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल बसेस में दूर दूर से आ रहे हैं। सर, ये सब आमतौर पे देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में ऐसी सुविधा नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें सर आपने कैसे कर दिखाया सर? जी एक्चुअल में सर ये हुआ कि मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। और चाहे गर्मियों की छुट्टी हो या जाड़े की छुट्टी हो, मेरा स्कूल चलता रहता है निर्बाध गति से। और जब बच्चों में हम इतना मेहनत करते हैं तो नेचुरली है बच्चों की प्रोग्रेस हुई। और ये समझिए कि हमारे यहाँ का जो अच्छा बच्चा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, 100% तो नहीं कहूँगा, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं कि मेरे 100 के 100% बच्चे जो है बहुत बढ़िया करते, लेकिन काफ़ी बच्चे मेरे इतना बढ़िया मैथ्स करते हैं कि वो 8th तक की मैथ्स पढ़ने के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो 1-2 साल ना भी स्कूल जाए तो वो 7th-8th तक की मैथ्स घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह से उनको तैयारी कराते हैं। तो लोगों ने देखा कि यार यहाँ के बच्चे भाषा में भी और मैथ्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों में एक शोर मचा कि हम विद्यालय जाए। तो मैंने वीडियो बना के, फुटेज बना के लोगों को दिखाया भी और घर घर भ्रमण भी किया। मैंने कहा देखिए, बिना पैसे के जब आपको मैं ऐसी शिक्षा दे सकता हूँ, और मैंने उनको वचन भी दिया, यकीन मानिए कि मेरा जब स्वास्थ्य, जब मैं बिल्कुल ही बैठ जाऊँगा तभी मैं विद्यालय छोड़ूंगा, वरना छोटी मोटी बात के लिए आज घर में वो है या हम कना है डिस्कना है या मेरी उंगली में थोड़ा चोट लग गई, इन चीज़ों के लिए मैं विद्यालय में से कभी भी बाहर नहीं देखोगे। और हुआ ये कि 3 साल से लोग मुझे देख रहे थे, वाकई में मैं ऐसा कर रहा था, तो उनका बहुत विश्वास मुझ पर बढ़ा। तो इतनी संख्या हो गई कि वहीं लोकल के जो कोई राहुल सर हैं, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया। हो सकता है कि उनका अपना बिजनेस था, ये भी हो सकता है। और लेकिन साथ में ये भी कहूँगा, अगर बिजनेस ही अगर पर्पज होता तो इतना सस्ता शायद वो टिकट नहीं करते, क्योंकि जैसे ये समझिए कि सेरा इतनी दूर है, वहाँ से केवल 1500 में बच्चा आ रहा है, और मार्केट से जो है जब मैं ले जा रहा हूँ 800 में बच्चा जा रहा है। तो तब मुझे लगता है कि उन लोगों के सहयोग से और मेरे से संपर्क किया, हो सकता है कि उनका अपना बिजनेस था, ये भी हो सकता है। और लेकिन साथ में ये भी कहूँगा, अगर बिजनेस ही अगर पर्पज होता तो इतना सस्ता शायद वो टिकट नहीं करते, क्योंकि जैसे ये समझिए कि सेरा इतनी दूर है, वहाँ से केवल 1500 में बच्चा आ रहा है, और मार्केट से जो है जब मैं ले जा रहा हूँ 800 में बच्चा जा रहा है। तो तब मुझे लगता है कि उन लोगों के सहयोग से और मेरे जो
अपना समर्पण का भाव था, और जो भी इस समय काम कर रहे हैं एसएमसी के सदस्यों के मदद से, जो अध्यापक अध्यापिकाएं मेरे विद्यालय में मुझे सहयोग कर रहे हैं, तो उनका बड़ा गुणगान करूंगा मैं। और मैं ये मानूंगा कि भगवान करे कि मैं अगर वाकई में अच्छा काम कर रहा हूं तो 75% श्री उनको दिया जाए, उनको ही आशीर्वाद लगे। भगवान ने मुझे दुख सहने के लिए बहुत क्षमता दे रखी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मैं दुख सहने को तैयार हूँ। सर, जैसा कि आपका विद्यालय आदर्श है, और जहाँ तक हमें पता चला वहाँ आदर्श विद्यालय में अभी भी सरकार विभाग की तरफ से शिक्षकों की काफ़ी कमी है सर, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं सर वहाँ पे ये चीज़ें? जी, एक्चुअल में सर मेरे पास वास्तव में एक मुकेश जोशी सर हैं जो सामाजिक विज्ञान के लिए हैं, एक आशा भट्ट मैडम है जो हिंदी के लिए है, शायद इस साल वो रिटायरमेंट भी है उनका। तो इसके लिए जो है मैं अपनी वाइफ, मतलब मेरी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं भी आपको सहयोग करूं, क्योंकि आप इस तरह से जुनून के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो जो है अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए विद्यालय में आ रही है, और जब से वो आई हैं वाकई में आप किसी से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं वहाँ पर कि वास्तव में कुछ तो चमत्कार हुआ ही है। मैं ये मानूंगा इसका श्रेय उनको जाता है। मैं तो एक बहुत, मतलब ये है कि लकीर का फ़कीर, मतलब एक साधारण सा अध्यापक हूँ, ऐसा कोई मुझ में टैलेंट नहीं जिसके बारे में बखान कर सकूं। हाँ, उनके पास जो नए नए आइडिया थे, इनोवेटिव आइडियाज़ कहूँगा मैं, उसकी वजह से आज बच्चों में एक नई उमंग है, नया जोश है, और बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ। सर, इस बार भी कुछ आपके विद्यालय से कई बच्चों का चयन नवोदय में भी हुआ है, घोड़ाखाल में भी हुआ है, सर कितने विद्यालय, कितने विद्यार्थी ऐसे रहे? जी, चार बच्चे तो मेरे घोड़ाखाल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उन्होंने, और तीन बच्चे मेरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं नवोदय में। फर्स्ट निशिका मेहता है, उसके 88 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। सेकंड जयेश सोन है, उसके 100 में से 85 आए, और थर्ड पीहू थापा है, उसके 100 में से 80 आए, और एक लड़की और निकली, यानी टोटल चार बच्चे निकले हैं। लेकिन जो फर्स्ट थ्री टॉपर्स हैं वो मेरे विद्यालय से है, मुझे अच्छा लगा। सर, आज गुरना प्राथमिक विद्यालय की चर्चा सर पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में हो रही है। सर, कभी आपको विभाग की तरफ से या विभाग की व्यवस्थाओं के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि मैं जब मैं अपने साथ वाले शिक्षकों को जो एसएमसी के सहायता से रखे हैं, वो बेचारे जो है 5,000 रुपया हम उनको देते हैं अभिभावक लगा के, और राज भट्ट जी हैं एक लंदन के जो बिजनेसमैन हैं, तो 26,500 पर मंथ मेरे विद्यालय को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की मदद से मैं ये कर पा रहा हूँ इस समय बढ़िया करके। तो जब 5,000 रुपया वाला इतना कर रहा है, तो मैं तो करीब मेरी 90,000 से ज़्यादा पे है, तो मैं संतुष्ट हूँ। विभाग करे या ना करे, मेरा कर्तव्य है, और मुझे जो प्यार मिल रहा है लोगों से, जो आशीर्वाद मिल रहा है, या जो सम्मान आज मुझे मिल रहा है, पुरस्कार क्या कर लेगा? कोई भी पुरस्कार मुझे लगता है कि गौण है इसके सामने। शायद ही किसी पुरस्कृत व्यक्ति को इतना सम्मान मिला होगा जितना ऊपर वाले ने या आप लोगों ने जो मुझे दिया है। सर, आपने इस विद्यालय अपनी प्रयास से इस मुकाम पर पहुंचाया। अगर सर देखा जाए तो कई हमारे उत्तराखंड के ऐसे कई दूरदराज के विद्यालय जहाँ छात्र संख्या कम होने के कारण वो बंद हो रहे हैं, तो सर ऐसी जगहों के बारे में, ऐसी जगहों में शिक्षण को बढ़ाने के लिए सर क्या आप राय देना चाहेंगे? मेरी तो एक साधारण सी राय है सर, मैं ये मानता हूँ कि हर गाँव में जो विद्यालय है कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उस जगह पर पूरे अध्यापक अध्यापिकाएं नहीं आ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, सरकार इतना खर्चा कर भी नहीं सकती है। तो इससे क्या होता है कि एक टीचर या दो टीचर में से कोई छुट्टी में चला गया है, तो एक टीचर जो है उतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ा, भले जब बच्चा एक हो या दो हो। तो मुझे ये लगता है कि एक सेंटर यानी एक केंद्र होना चाहिए, वहाँ पर 5-7 जो विद्यालय हैं 5 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के दायरे से, तो उस जगह पर एक विद्यालय बने, उसमें सारे टीचर्स वहाँ पे रहें, और जो पैसा सरकार उन विद्यालयों में खर्च कर रही है जो हर गांव में है, तो वो सारा पैसा जो है लगा के, जो अगर वाहन व्यवस्था कर दिया जाए जैसा कि आज मेरे विद्यालय में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल नीति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सभी शिक्षक को जो है काम करना भी पड़ेगा मजबूरी, क्योंकि फुल फ्लेज में हेड टीचर होना बहुत ज़रूरी होता है विद्यालय में, क्योंकि उसका नियंत्रण अगर सही रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी, और जो सरकार की मंशा है वो भी साकार होगी, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि गुरना आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुभाष जोशी जी ने हमें जानकारी दी, आज जो ये गुरना का स्कूल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑफिसर्स के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने को आते हैं, और आज ये हालात सिर्फ और सिर्फ
यहाँ के प्रधानाध्यापक सुभाष जोशी जी की मेहनत का ही परिणाम है। अगर यही मॉडल पूरे उत्तराखंड के स्कूलों में अपनाया जाए तो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकेगी। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।